सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, एक कामयाब टेलर कैसे बने, इस सीरीज में आज का पॉइंट है कटिंग, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। आज हम कटिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, YouTube पे बहुत से उस्तादों के वीडियो पड़े हैं और सबके फार्मूले अपनी अपनी जगह सही हैं। हर उस्ताद के फार्मूले पे उनकी अपनी पकड़ होती है। आपको क्या करना है कि आप वीडियो देखिए सबके और सब फार्मूले को आप चेक कीजिए। आजकल बड़े सस्ते कपड़े आते हैं पैंट के, 50 रुपये में 60 रुपये में पैंट पीस आ जाता है। पैंट और शर्ट दोनों की कटिंग चेक कीजिए। आप अलग अलग फार्मूले पे पैंट बनाइए और डाल के देखिए, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके इलाके में किस उस्ताद का फार्मूला चलेगा। ये कटिंग पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। दूसरी बात, बॉडी। बॉडी के हिसाब से जब तक आप कटिंग नहीं करेंगे, तब तक फार्मूला तो रहेगा ही, लेकिन फार्मूला के साथ साथ आपको बॉडी के हिसाब से कटिंग करनी पड़ेगी। बहुत से ऊट पटांग साइज होते हैं जो फार्मूला उनमें इतना ज़्यादा काम नहीं करता, सिर्फ फ्रंट का फार्मूला काम करता है, बाकी फार्मूला काम नहीं करता है। तो ऐसी बॉडी जो ऊटपटांग बॉडी है, कमर ज़्यादा है, हिप कम है, पेट वाले बहुत ज़्यादा पेट वाले हैं, पेट के नीचे पहनते हैं, बहुत से पेट के ऊपर पहनते हैं। मैंने अपने चैनल पे ऐसे वीडियो, बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं जो ऊटपटांग साइज होते हैं, उनको बॉडी के हिसाब से मैंने कटिंग करके बताया है, बिल्कुल बारीकी से बताया है और एक एक चीज़ को समझाया भी है। ये सारी चीज़ें, इनमें फार्मूला नहीं चलता, इनमें बॉडी के हिसाब से आपको कटिंग करनी पड़ती है। तो मैंने अपने बहुत से वीडियो में बॉडी के हिसाब से कटिंग की हुई है, फार्मूला के साथ साथ बॉडी के हिसाब से भी कटिंग की हुई है। आप उन वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वो आपकी समझ में आएंगे। एक अच्छा टेलर बनने के लिए ये दोनों तरह की कटिंग के आप एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा टेलर बन सकते हैं और तभी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि ग्राहक को बॉडी के हिसाब से आप बना के देंगे तो ग्राहक आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपके पास ही आएगा। मैं ये तजर्बे से कह सकता हूँ कि अगर आप दोनों तरह से कटिंग करते हैं, फार्मूला प्लस बॉडी दोनों को ध्यान में रख के आप कटिंग करते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी और ग्राहक आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। तो मैंने कटिंग के बारे में आपको बारीकी से बता दिया है, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।